सो जिथे जाते ने पंजाबी वक्री पहचान बना लेंगे। अजिही एक पहचान बनाई है चंडीगढ़ की धी ते राजपुरा की दोती श्वेता शारदा ने। कामयाबी की है इस कुड़ी के सिर पर जिहड़ा तुसी ताज देख रहे हो लीवा मिस डीवा 2023 जित के आई है ते आने वाले समय दे विच मिस यूनीवर्स के मुकाबले च भारत की प्रतिनिधता करेगी। चंडीगढ़ के मनी माजरा सरकारी स्कूल च पढ़ी, सैक्टर 18 के सरकारी स्कूल च पढ़ी, 26 सैक्टर खालसा कॉलेज दे विच पढ़ी। भारत का नाम तो रोशन किया ही किया, पंजाब का किया, राजपुरे का किया, चंडीगढ़ का किया, की आता पे मन च कि फीलिंग्स है सर? मन च ये तो बड़ा इमोशनल सवाल है मेरे लिए। मैं तो हुनी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक क्राउन मेरे सिर पे है। मैं हुनी भी उस डिसबिलीव में हाँ कि मैनू एक क्राउन मिल चुका है, मैंने इतनी मेहनत की थी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं सब तो पहले रब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। So when you started your journey, it was beyond your dreams? This crown? Yeah. I never think for the destination, the final goal. I always think to enjoy the journey जी. with my hard work. I feel like when you hard work and when you do things from your heart, it definitely comes like the outcome will be positive and in your favor. अंजू शारदा और माधुरी दीक्षित का कितना योगदान है जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी जो आपने दो सारी खूबसूरत महिलाओं का नाम लिया है मेरे सामने, उनका तो कंपैरिजन क्या, मैं तो उनका मतलब नाम साथ में लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूं कि थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। मैं डांसिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जब मैं एक सेल्फ टॉट डांसर हूँ, बिकॉज मेरी फाइनेंशियली मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे कि आपने बोला मेरे पापा ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी यू नो हाउस वाइफ थी उस टाइम, अभी तो मेरी मम्मा काम करती है, वर्किंग है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। तो उस टाइम पे मेरा घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम पे करके मैं सीख पाऊँ, लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है ना टैलेंट जब देता है ना, तो उसको लेके उस पर बहुत मेहनत करो तो अब आप सब कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो श्वेता 10 साल की ज़िंदगी आपकी, जब आप 12 साल की थी और 22 साल तक, आज आप 22 की हैं, 10 साल में कितनी बार लगा कि मुझे पापा का हाथ चाहिए मेरे हाथ में? ऐसा बहुत बार फील हुआ, बिकॉज पापा की कमी बहुत बहुत लोगों को खलती है, बहुत आपको ऐसा फील होता है जब क्राउन सर पे रखा जा रहा था, तो ज़रूर याद आ रही होगी। आफ्टर माई पेरेंट गॉट सेपरेटेड, मेरी मॉम ने जो दोनों चीज़ों का रोल प्ले किया है, एक ऑफिस जाना, घर का काम संभालना, एज अ सिंगल पेरेंट, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इनफ फॉर हर ओन सेल्फ एंड बीइंग एबल टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ टू मी एंड माई ब्रदर। मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए सबसे पहले तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, बाकी लड़कियों को ये एडवाइस दे पा रही हूँ जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक माइंडसेट कर लेते हो ना कि मुझे चाहिए, आपको मिलता है, और मैं उसका लाइव प्रूफ हूँ, मैंने सोच लिया था कि मुझे चाहिए। तो अगर मिस यूनिवर्स का ताज हम भी चाहेंगे आपके सिर पर हो, क्या करना चाहेंगे देश के लिए अगर वो ताज आपके सिर पे आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी भी अगर मेरे सर पे क्राउन है, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंस्पायर एवरी अदर गर्ल आउट देयर टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड इन देयर एबिलिटीज, एंड जस्ट बाय डूइंग दैट मैं लिख के बोल सकती हूँ दैट दे कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ। सो जिथे जाते ने पंजाबी वक्री पहचान बना लेंगे, अजिही एक पहचान बनाई है चंडीगढ़ की धी ते राजपुरा की दोती श्वेता शारदा ने। कामयाबी की है
इस कुड़ी के सिर पर जो ताज देख रहे हो लीवा मिस डीवा 2023 जित के आई है तो आने वाले समय के मिस यूनीवर्स के मुकाबले भारत की प्रतिनिधता करेगी। सो चंडीगढ़ के मनी माजरा सरकारी स्कूल पढ़ी, सैक्टर 18 के सरकारी स्कूल पढ़ी, 26 सैक्टर खालसा कॉलेज के पढ़ी और वड्डी गल के इहदे पिता जी ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले की धी उस मुकाम पर पहुँच गई है। कामयाबी इन्हां नाल शेयर करते हैं। सो श्वेता कितना कितने ये गल तो होगी ना यार, कि मनी माजरे के फलाने ऑटो वाले की कुड़ी कितने पहुँच गई है, सो की आंदा मन च जदों इह जिहा माण मिलेगा। सत श्री अकाल, इतना सोना इंटर दिता मैंने, मैं आई वांट टू से जस्ट थैंक यू टू यू, शुक्रिया कॉल टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी आप सबको, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ और पूरा चंडीगढ़ के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा। भारत का नाम तो रोशन किया ही किया, पंजाब का किया, राजपुरे का किया, चंडीगढ़ का किया, की आंदा पे मन च किदां दी फीलिंग्स है सर? मन च ये तो बड़ा इमोशनल सवाल है मेरे लिए। मैं तो हुनी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक क्राउन मेरे सिर पे है। मैं हुनी भी उस डिसबिलीव में जा कि मैनू एक क्राउन मिल चुका है, मैंने इतनी मेहनत की थी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं सब तो पहले तो रब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इट वाज बियॉन्ड योर ड्रीम्स The crown? Yeah. Sir, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, that I never think for the destination and the final goal. I always think to enjoy the journey. जी. With my hard work. I feel like when you hard work and when you do things from your heart, it definitely comes like the outcome will be positive and in your favor. सो श्वेता जो चंडीगढ़ के स्कूल पढ़ती सी या चंडीगढ़ के कॉलेज पढ़ती सी उस टाइम मन च धार लिया कि मैं इस ग्लैमर फील्ड वाल जाना, उस मुकाम पर पहुँचना है? मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन माई कॉन्फिडेंस ये चंडीगढ़ के लोगों का सपोर्ट है मेरे लिए। चंडीगढ़ के लोग मैंने देखे हैं कि आज भी जब मैं एयरपोर्ट पे थी उनकी आँखों के अंदर मतलब सिर्फ दोस्त हैं, मेरी दोस्त के माता पिता हैं, लेकिन उनकी आँखों में जो आंसू थे वो मुझे रियलाइज़ करवा रहे थे कि ये लोग कितने खुश हैं मेरे लिए। जबकि आज की दुनिया में बहुत सारी जगह पर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलती है कि ये हो गया लेकिन किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ चंडीगढ़ से, जहाँ पे लोग मेरे लिए उतने ही खुश हैं जितना वो अपने बच्चों के। ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ सिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। या बिल्कुल, अंजू शारदा और माधुरी दीक्षित का कितना योगदान है जिस मुकाम पे आप पहुँची हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो आपने दो नाम प्यारी खूबसूरत महिलाओं का नाम लिया है मेरे सामने, उनका तो कंपैरिजन क्या, मैं तो उनका मतलब नाम साथ में लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। मैं डांसिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, जब मैं एक सेल्फ टॉट डांसर हूँ बिकॉज मेरी फाइनेंशियल मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जैसे कि आपने बोला मेरे पापा ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी यू नो हाउसवाइफ थी उस टाइम पे, अभी तो मेरी मम्मा काम करते हैं, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। तो उस टाइम पे मेरा घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम पे करके मैं सीख पाऊँ, लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है ना टैलेंट जब देता है ना तो उसको लेके उस पर बहुत मेहनत करो तो अब आप सब कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, आप कहीं से कहीं तक भी आ सकते हैं। तो श्वेता 10 साल की ज़िंदगी आपकी, जब आप 12 साल की थी और 22 साल तक, आज आप 22 की हैं, 10 साल में कितनी बार लगा कि मुझे पापा का हाथ चाहिए मेरे हाथ में? ऐसा बहुत बार फील हुआ बिकॉज पापा की कमी बहुत बहुत लोगों को खलती है, बहुत आपको ऐसा फील होता है जब क्राउन सर पे रखा जा रहा था तो जरूर याद आ रही होगी। मैं सच आपको बताऊं, मेरे पापा की हमेशा मैं लाडली बेटी रही हूं, उन्होंने मुझे मेरे भाई से भी ज्यादा, एक होता है ना कि लाडली बेटी है कि इसको मेरी बॉन्डिंग, द फादर डॉटर बॉन्डिंग, मेरी बच्ची है, तो वो मुझे हमेशा से पैम्पर पापा से मिला है। कोई भी ऐसे होता था ना भाई से लड़ाई, भले मेरी गलती हो, जाके पापा के पास चली जाती थी, पापा कहते थे मेरी बच्ची को भी कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल तो वो रहा है। लेकिन आफ्टर माई पेरेंट गॉट सेपरेटेड, मेरी मॉम ने जो दोनों चीज़ों का रोल प्ले किया है, एक ऑफिस जाना, घर का काम संभालना, एज अ सिंगल पेरेंट, एज अ सिंगल पेरेंट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज़ बींग सेल्फ सफिशिएंट एंड इनफ फॉर हर ओन सेल्फ एंड बींग एबल टू प्रोवाइड अ कम्फर्टेबल लाइफ टू मी एंड माई ब्रदर। मेरे भाई और मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए
सबसे पहले तो मैं उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर पा रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, बाकी लड़कियों को ये एडवाइस दे पा रही हूँ जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक माइंडसेट कर लेते हो ना कि मुझे ये चाहिए, आपको मिलता है. और मैं उसका लाइव प्रूफ हूँ, मैंने सोच लिया था कि मुझे चाहिए. पंजाबी तक शेर आ रहा है, कहते ना शुक्रे ने वो लोग जिहड़े शिकवा करन कदरां दा, तारन वेले तुर पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा. क्या बात है सर, क्या बात है. मैं आपकी ये सुन के और ज़्यादा मुझे अब ऐसा हो रहा है कि इंस्पिरेशन मिल रही है और ज़्यादा. अच्छा श्वेता, आम तौर पे क्या है हमारे देश का जो इस लाइन में जाता है, मिस वर्ल्ड बन गया, मिस यूनिवर्स बन गया, मिस इंडिया बन गया, उसके बाद बॉलीवुड है, और इम्तियाज़ अली के लिए आप तो मतलब क्रेजी है ही हैं, तो इम्तियाज़ अली की अगर कोई ऑफर आ गई तो आँखें बंद करके साइन कर लेंगे पिक्चर. मैं आपको बताऊं, आपने ऑलरेडी बोल दिया. हाँ. मैं इम्तियाज़ अली की बहुत बड़ी फैन हूँ. उनकी मूवीज में सर आप देखें, जब भी मेट हो या फिर कोई भी हो, उन्होंने वो इतना अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता इतनी अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं स्टोरी को. और इन दी एंड हमें ऑडियंस को चाहिए होता है कि अब क्या नया मिल सकता है और अब क्या सीख सकते हैं हम. तो मुझे लगता है उनकी जो मूवीज है ना, वो दर्शकों को जो देखने आते हैं उनको बहुत अच्छे से, यू नो, वो जो 3 घंटे की मूवी है ना, पता भी नहीं चलता कि कब आप सीख के चल जाते हैं लाइफ लेसन. अच्छा, हमारी दुआएं आपके साथ है. अगर मिस यूनिवर्स का ताज हम भी चाहेंगे आपके सिर पर हो, यहीं आपके साथ इंटरव्यू करें, क्या करना चाहेंगी देश के लिए अगर वो ताज आपके सिर पे आ गया? मेरे सर पे सबसे पहली बात तो क्राउन सिर्फ एक लास्ट डेस्टिनेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी भी अगर मेरे सर पे क्राउन है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितने करोड़ों लोगों की, जो, और आई नो एवरी आई विल बी ऑन मी नाउ, एवरीवन विल बी वॉचिंग मी. सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंस्पायर एवरी अदर गर्ल आउट देयर टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड इन देयर एबिलिटीज. एंड जस्ट बाई डूइंग दैट मैं लिख के बोल सकती हूँ दैट दे कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ. जी बिल्कुल. सो असी भी चाहवांगे साडे देश दियां, साडे मुल्क दियां दुआवां भी जिहड़ियां श्वेता दे नाल हैगियां ने, कि सुषमिता सेन तो बाद, हरनाज़ कौर संधू तो बाद, कि एक पंजाबण दा नाम जे जुड़े कि मिस यूनीवर्स खिताब किने जितया 2023 दे विच, तां जरूर श्वेता शारदा होवे. सो श्वेता, साडे नाल गलबात करन लई बहुत बहुत धन्नवाद. थैंक यू सर, थैंक यू जी. सो होर नवीं ते ताज़ी अपडेट लई जुड़े रहो साडे नाल. हुण दिओ बलजीत मरवाहे नूं इजाजत. शुक्रिया.